नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स मिलेंगे और एक नई स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिसमें जो सबसे अच्छा हो उसे बेस्ट कहते हैं। और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, मित्र, बेस्ट फ्रेंड। तो हम सभी के जीवन में, मैं ये नहीं कहती कि हम सभी के जीवन में, मीन्स कोई कोई ऐसा होता है कि किसी किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, पर अक्सर ही लोगों के पास सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, जो हमेशा उनका सुख दुख में साथ देते हैं। तो उसी को सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, जो हमारे सुख दुख में हमें समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारे भावनाओं को समझते हैं, उसे ही सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को रीड करते हैं। Children, you have to write an essay on the topic I give you, announced the English teacher. Children, children means होता है बच्चे, और child means एक बच्चा, और children मतलब कई बच्चे। बच्चे, you, तुम, have मतलब पास होता है। टू हैव टू को साथ में करेंगे। टू करना, करना मीन्स यह करना है। हैव टू मीन्स करना है। राइट, राइट मीन्स लिखना। एन एक एसे, एसे मीन्स होता है निबंध। ऑन पर द टॉपिक, मीन्स द टॉपिक मीन्स इस टॉपिक पर। टॉपिक मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट मीन्स किस टॉपिक पे लिखना है, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट। जैसे कि आज हम लोग जो ये जो ऐसे है, ये जो स्टोरी है बेस्ट फ्रेंड पे है, तो एक तरह से ये एक विषय हुआ। तो टॉपिक मीन्स होता है विषय। सब्जेक्ट, आई मीन्स मैं, गिव मीन्स देना। यू मीन्स होता है तुम लोगों को। यहाँ पे यू का सेंस मतलब एक ही आदमी नहीं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, मीन्स तुम लोग। अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। द इंग्लिश टीचर, जो इंग्लिश के टीचर थे, जो इंग्लिश के मास्टर थे, उन्होंने मीन्स घोषणा की। तब हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। चिल्ड्रेन, बच्चे मीन्स बच्चे, यू हैव टू राइट मीन्स तुम लोगों को लिखना होगा। एन एसे, एक निबंध लिखना होगा। ऑन द टॉपिक, किस विषय पर। आई गिव यू, मैं दूंगी, जो विषय मैं दूंगी। अनाउंस्ड, घोषणा की। द इंग्लिश टीचर ने, तो इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रेन, बच्चों, तुम्हें एक ऐसे एक निबंध लिखना होगा उस विषय पर जो मैं दूंगी। इंग्लिश टीचर ने घोषणा की, मीन्स अनाउंस किया कि मैं किसी विषय पर एक ऐसे दूंगी जिसको तुम्हें लिखना होगा। नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं, कोई नहीं। नोबडी मीन्स कोई नहीं। विल मीन्स गागेगी का सेंस है। जिस वर्ड में गागेगी आता है उसमें विल का यूज होता है। कोई नहीं विल मीन्स गागेगी। गेट मीन्स पाएगा। एनी मतलब कोई भी। एक्स्ट्रा, अतिरिक्त टाइम। एक्स्ट्रा टाइम मीन्स अतिरिक्त समय। और कह रहा है कि कोई भी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम किसी को भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कि उस टीचर ने एक समय बनाया और कहा कि किसी को भी अतिरिक्त ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। नोबडी विल गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम, किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। द टॉपिक सी गेव वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। द टॉपिक,
विषय जो किस विषय पर, टॉपिक मीन्स विषय, शी वह गेव, गिव का पास्ट टेंस है, गेव दिया, वॉज था माई मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा प्रिय मित्र मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और उस टीचर ने कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए दिया, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे अच्छा मित्र मीन्स प्रिय मित्र। इस टॉपिक पर बच्चों को टीचर ने एक एसे लिखने को कहा, मीन्स निबंध लिखने को कहा। बट हाउ कुड आई राइट एनी थिंग ऑन दिस टॉपिक, बट मीन्स परंतु, हाउ कैसे, कुड मतलब सकना, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे कुड है, कैन का कुड हो गया है, मीन्स सकता था, आई मैं राइट लिख, राइट मीन्स लिखना, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, ऑन पर दिस यह टॉपिक इस विषय पर। और मीन्स टीचर ने बच्चों को कहा कि तुम्हें माय बेस्ट फ्रेंड पे एक एसे लिखना है, तो उनमें से एक जो बच्चा था तो वो कह रहा है कि मैं कैसे, बट हाउ कुड, परंतु कैसे, आई राइट मैं लिख सकता हूँ एनीथिंग कुछ भी ऑन दिस टॉपिक इस टॉपिक पर। उस बच्चे ने कहा कि मैं कैसे इस टॉपिक पर ऐसे लिख सकता हूँ, आई हैड नेवर हैड अ बेस्ट फ्रेंड, आई मतलब मैं, हैड मतलब पास मतलब मेरे पास, नेवर कभी नहीं, हैड था, यहाँ पे एक तो है हेल्पिंग वर्ब मीन्स एक्सिलरी वर्ब है, अ बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मतलब प्रिय मित्र, उसने कहा कि मेरे पास कभी नहीं एक अच्छा दोस्त था। उस लड़के ने कहा, अपने मन में वो सोच रहा है, आई हैड नेवर हैड अ बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास कभी नहीं एक अच्छा दोस्त था, मतलब उस लड़के के पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। पीपल डिड नॉट रियली वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड, पीपल लोग डिड नॉट डिड मतलब करना होता, नॉट मतलब नहीं, रियली सचमुच, वॉन्ट चाहते थे टू बी होना माई मेरा फ्रेंड। तो यहाँ मीन्स ये कह रहा है कि जो लोग थे वे लोग मेरे दोस्त बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। डिड नॉट मतलब नहीं किया, रियली सचमुच, वॉन्ट चाहते थे टू बी होना माई बेस्ट फ्रेंड। और उस वो लड़का कह रहा है कि लोग मेरे दोस्त बनना ही नहीं चाहते थे, पीपल डिड नॉट रियली वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड्स, इस लाइन का अर्थ है कि लोग मेरे दोस्त बनना ही नहीं चाहते थे। हैविंग लॉस्ट माई लेग्स इन एन एक्सीडेंट, आई वॉज व्हील चेयर बाउंड, हैविंग मतलब पास, रखना, लॉस्ट खो दिया, माई मेरा, लेग्स अपने पैरों को, इन में एन एक एक्सीडेंट एक घटना में, एक दुर्घटना में मैंने अपने पैरों को खो दिया, आई मैं वॉज था व्हील चेयर मीन्स जो पहिए वाली चेयर होती है, बाउंड मीन्स बंध जाना, Having lost my leg in an accident, मैंने अपना पैर खो दिया, मैंने अपने पैर खो दिए in an accident, एक दुर्घटना में, I was wheelchair bound, और मैं इस wheelchair में बंध गया, मतलब उसने अपने पैरों को खो दिया और इस वजह से वो मतलब उसका एक सहारा, एकमात्र सहारा व्हीलचेयर हो गया, क्योंकि जब उसके पैर ही नहीं थे तो वो चलेगा कहाँ से। फिर आगे पढ़ते हैं, आई कुड नॉट रन अराउंड लाइक अदर्स, मैं कुड मतलब सकता था, नॉट नहीं, मैं नहीं सकता था रन दौड़ना, अराउंड चारों ओर, लाइक मतलब जैसे, अदर्स दूसरे लोगों की तरह, तो यहाँ पे कह रहा है मैं दूसरे लोगों की तरह चारों ओर नहीं दौड़ सकता था, आई कुड नॉट रन अराउंड लाइक अदर्स, मैं दूसरों के जैसे इधर उधर नहीं दौड़ सकता था। आई सैट
quietly for some time and then decided to begin my essay. मैं sat, sat मतलब बैठा था, quietly शांतिपूर्वक, quietly means शांतिपूर्वक, for लिए some कुछ time कुछ समय के लिए, and और then फिर decide मतलब निर्णय लिया, to बिगिन शुरुआत करने की, बिगिन मतलब शुरुआत करने की, माई मेरे एसे को, मेरे निबंध को. और कह रहा है आई सैट क्वाइटली, मैं शांतिपूर्वक बैठा था, मीन्स शांति से बैठा था, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, फॉर मतलब लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड और देन फिर डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू बिगिन शुरुआत करने की, माई एसे मेरे निबंध को, जो जो टीचर ने दिया था उसको मैंने मतलब पहले सोचा कि कैसे लिखूं, मेरे मेरे पास तो कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, यही एकमात्र सहारा जो मेरा है व्हीलचेयर है. और फिर उसके बाद इतना सोचने साचने के बाद फिर उस लड़के ने एसे लिखना शुरू किया. I wrote how nobody wanted to be my friend. मैं wrote means write का past tense से, wrote means लिखना. How कैसे, nobody कोई भी नहीं wanted चाहता था to be होना my मेरा friend मेरा दोस्त. और इसमें कह रहा है कि मैंने लिखा कैसे कोई भी नहीं वांटेड चाहता था मेरा फ्रेंड होना, टू बी मीन्स होना, माय फ्रेंड मेरा दोस्त होना, मतलब किसी को भी मेरा दोस्त होना पसंद नहीं था. और उस एसे में मैंने लिखा, ठीक है आगे पढ़ते हैं. हाउ माय व्हीलचेयर वाज माय ओनली कांस्टेंट कंपेनियन. हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, माई मेरा व्हीलचेयर, जो व्हीलचेयर है, वॉज थी माई मेरी ओनली सिर्फ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब होता है स्थिर, नित्य कंपेनियन साथी. तो आई होप आप लोगों को इस तरह से वर्ड समझ में आ रहा होगा. तो हाउ माई व्हीलचेयर, कैसे मेरी जो ये व्हीलचेयर है, सिर्फ वॉज थी माई ओनली मेरी सिर्फ कॉन्स्टेंट कंपेनियन मतलब स्थिर कंपेनियन मतलब हमेशा की साथी. कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर होता है, नित्य लगातार हमेशा साथ रहने वाला कंपेनियन साथी. और यही जो व्हील चेयर है यही मेरा मतलब हमेशा साथ रहने वाला साथी है. When the teacher read my essay, I saw tear in her eyes. When जब, when means जब the teacher जो teacher थी, जो master थी, teacher थी, read, teacher means शिक्षिका भी होता है, means हिंदी में शिक्षिका कहते हैं, ऐसे normally teacher को teacher भी कहते हैं, master भी कहते हैं, और हिंदी में शिक्षक कहते हैं, शिक्षिका कहते हैं. तो when the teacher जब teacher read पढ़ रही थी, read means पढ़ना, my मेरा essay मेरे निबंध को, I मैंने means I मतलब मैंने saw देखा tears आंसू in में her उनकी आईज उसकी आँखों में. और ये मीन्स कह रहा कि जब जो टीचर थी मेरा ऐसे पढ़ रही थी तो टीचर की आँखों में आंसू था. फ्रॉम देन ऑन शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. फ्रॉम से देन, तब ऑन मतलब देन ऑन मीन्स तब से, ऑन मतलब पर होता है, तब से शी वह बिकेम हो गई, बिकेम मीन्स हो गई, माई मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी प्रिय मित्र मेरा सबसे अच्छा दोस्त. और ये कह रहा है कि जब टीचर ने मेरे एसे को पढ़ा तब से वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो गई, क्योंकि उस लड़के का कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन जब टीचर ने उसके एसे को पढ़ा और उसके प्रति मतलब कि एक दया जागी, भाव जागा, और टीचर उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है जिसे टॉपिक मिली थी बेस्ट फ्रेंड पे लिखने के, वो बेचारा वो क्या लिखता, क्योंकि उसका कोई साथी ही नहीं था, क्योंकि वो शुरू से ही मतलब कि
किसी दुर्घटना में उसके पैर उसने खो दिए, और जिस वजह से उसका अब कोई साथी नहीं था, क्योंकि उससे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था। पर तब भी उसने अपने जो भी उसका मन में जो आया कि उसका सबसे अच्छा साथी कौन है, उसने उस चीज़ पे टॉपिक पे लिख दिया। और क्योंकि व्हीलचेयर उसके साथ हमेशा रहती थी, तो उसने कहा कि व्हीलचेयर ही जो मेरे साथ रहने वाली कांस्टेंट कंपेनियन है, मतलब हमेशा साथ रहने वाली कंपेनियन है। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।